हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कभी संगीत है, कभी खामोशी, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल से बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर्थ। लगता है सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने में लोगों को खास दिलचस्पी नहीं रही है। मिर्जापुर जिले के राजगढ़ विकास खंड परिसर में लोक कल्याण मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह मेला प्रदर्शनी 12 अप्रैल और 13 अप्रैल तक चलेगी। मेला प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर लगाई गई है और इस मेला प्रदर्शनी में सरकार द्वारा चल रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जा रही है। जिले के सभी सरकारी विभाग अपने अपने विभाग का स्टॉल लगाकर पॉम्पलेट और हैंडबिल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को जानकारी दे रहे हैं। परंतु गुरुवार को पहले ही दिन इस मेले प्रदर्शनी में क्षेत्र से बहुत ही कम लोग पहुंचे। इस प्रदर्शनी में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल सभी विभाग के लोग ही अपने अपने स्टॉल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। लोगों की माने तो सरकार का यह कार्यक्रम पहले ही दिन फ्लॉप साबित हुआ है और कारण भी बताया जा रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस स्टॉल में बैठे भी हैं। हम डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप से मिलान करते हैं जी, जनपद जिला मिर्जापुर से, और स्वच्छता के विषय में हम यहाँ पर स्टाफ बैठे हैं। जो लोग आते हैं उनको स्वच्छता के विषय में बताने का प्रयास करते हैं। शौचालय हमारा इस समय मुख्य कार्यक्रम चल रहा है कि हर घर में शौचालय हो, माँ बहन बेटियाँ बाहर न जाएं, खुले में शौच करने न जाएं, क्योंकि खुले में शौच करने से शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इस मेले प्रदर्शनी के बारे में पहले से कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, अतः लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, और जिसमें सभी विभाग की बड़ी लापरवाही दिख रही है। फिर भी जिले से आए सभी विभाग के लोग मेहनत के साथ अपने अपने स्टॉल पर मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से आंगनवाड़ी विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, कृषि रक्षा इकाई विभाग, चिकित्सा विभाग आदि विभाग के लोग मौजूद थे। मिर्जापुर से संदीप सिंह के साथ अजय मौर्य की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।